छत्तीसगढ़ किसान सभा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट को कृषि व्यापार करने वाली कंपनियों का मुनाफा पहुंचाने वाला किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी और कॉरपोरेट परस्त बजट करार दिया है और कहा है कि बजट प्रावधानों से देश में कृषि संकट बढ़ने के साथ ही किसानों और आदिवासियों की बेदखली भी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। इस बजट में मनरेगा के मद में वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 34% की कटौती की गई है। बजट में अपनी आजीविका खोकर गाँव में पहुँचने वाली अप्रवासी मजदूरों के लिए कोई राहत नहीं है और न ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने और किसानों को कर्ज मुक्त करने के बारे में कुछ कहा गया। जिस मुद्दे पर आज पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, कुल मिलाकर यह बजट आर्थिक संकट का बोझ आम जनता पर डालने के लिए कृषि संकट, महंगाई और बेकारी बढ़ाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। आज यह जारी बजट प्रतिक्रिया में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार सरकारी उद्योगों की जमीन को बेचने का शोषण की गई है, उद्योगों को जमीन बेचने की घोषणा की गई है, उसका सबसे ज्यादा असर कोरबा, बस्तर, कोरिया और सूरजपुर जैसे जिलों में SECL, NMDC व NTPC द्वारा अधिग्रहित लेकिन अप्रयुक्त जमीनों पर पड़ेगा और उस पर काबिज मजदूर, किसानों और आदिवासियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार 2.5 लाख करोड़ रुपए के बजट से उतना भी खाद्यान्न भंडारण नहीं होगा जितना कि पिछले साल। कृषि बजट में साल 2019-20 में किए गए वास्तविक खर्च की तुलना में 8% की भारी कटौती की गई। इससे स्पष्ट होता है कि किसानों को किसान विरोधी कानूनों की मंशा के अनुरूप खुले बाजार में धकेलने की योजना लागू की जा रही है। इससे पूरे देश में खाद्यान्न सुरक्षा और आत्मनिर्भरता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली खतरे में पड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि जिस कृषि विकास के नाम पर पेट्रोल डीजल पर सेस लगाया गया है, उसका अधिकांश भार खेती किसानी करने वालों पर ही पड़ने जा रहा है। ग्रामीण जनता भुखमरी का शिकार हो रही है, लेकिन उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने और देश के खाद्यान्न भंडार को उनकी भूख मिटाने के लिए खोलने की कोई योजना इस सरकार के पास नहीं है। जबकि अर्थव्यवस्था में मांग के अभाव व मंदी का मुकाबला बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन, मुफ्त खाद्यान्न वितरण और नगद राशि से मदद करने के जरिए आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ाकर किया जा सकता है। बजट में किसानों की आय दोगुनी करने की फिर से जुमलेबाजी तो की गई है, लेकिन यह बताने के लिए तैयार नहीं है सरकार कि पिछले 4 सालों में किसानों की आय कितनी बढ़ी है। इस प्रकार 65,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान देश में 14.5 करोड़ लघु और सीमांत किसान परिवारों के लिए नितांत अपर्याप्त है। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कहा कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश से अपने हाथ खींच रही है और इसके दुष्परिणाम के खिलाफ इस बजट के किसान विरोधी प्रावधानों के खिलाफ और देशव्यापी किसान आंदोलन की मांग के समर्थन में पूरे देश में अभियान चलाकर जनता को लामबंद किया जाएगा। R9 भारत के लिए राकेश कुमार बंसल की रिपोर्ट, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। लॉकडाउन के बाद कुसमुंडा के गेवरा रोड स्टेशन में बंद पड़ी सभी ट्रेनों को चालू करने की मांग पर कल 3 फरवरी को माकपा द्वारा आहूत रेल चक्का जाम आंदोलन को आम जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। C2 छत्तीसगढ़ किसान सभा, जनवादी महिला समिति और रेल संघर्ष समिति के साथ ही व्यापारियों और ऑटो चालकों के संगठनों ने भी इस आंदोलन में भाग लेने की घोषणा की। इधर इस आंदोलन को टालने के लिए माकपा नेताओं के साथ रेल प्रशासन ने बैठक कर उनसे आंदोलन स्थगित करने का अनुरोध किया है। इस बैठक में शामिल कोरबा के क्षेत्रीय रेल प्रबंधक मनीष अग्रवाल का कहना है कि गेवरा से रेल इसलिए नहीं चलाई जा रही है क्योंकि राज्य शासन इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। उनका कहना था कि राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही गेवरा से ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी और इसलिए आंदोलनकारियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। माकपा की ओर से वार्ता में शामिल नेताओं ने प्रशांत झा, VM मनोहर, जना राम कर्ष, जवाहर सिंह कंवर, AK गोस्वामी, सौजी रिपीट, साजी जॉन आदि ने रेल प्रशासन के इस तर्क को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि रेल विभाग केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहा है, इसलिए रेल परिचालन संबंधी समस्याओं के लिए राज्य सरकार को कोरबा रेल प्रबंधन द्वारा दोषी ठहराना शरारतपूर्ण है। माकपा नेताओं द्वारा इस संबंध में दस्तावेज दिखाने की मांग किए जाने पर रेल प्रशासन निरुत्तर रहा। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने आरोप लगाया है कि रेल प्रशासन आम जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है और इस मुद्दे पर राज्य सरकार को बेवजह बदनाम करने की चाल चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और यहां के राजस्व मंत्री को भी जनता की इस मांग को और रेल प्रबंधक के कथन पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। माकपा नेता VM मनोहर का कहना है कि गेवरा से सबसे ज्यादा कमाई करने के बावजूद इस क्षेत्र की आम जनता को रेल सुविधाएं देने के नाम पर प्रबंधन फिसड्डी साबित हो रहा है। आम जनता ने लड़कर जिन ट्रेनों को यहां से शुरू भी करवाया था, कोरोना संकट की आड़ में ये सब ट्रेनें मात्र इसलिए बंद कर दी गई कि कोल परिवहन के लिए रास्ता साफ। उन्होंने कहा कि यदि रेल प्रबंधन अपने जन विरोधी रवैये को नहीं छोड़ेगी तो इस क्षेत्र के लोग जिन्होंने अपनी जमीन इस सरकार को कोयला खनन
परिवहन के लिए दी है। वे यहाँ से रेलवे को भी कोयला परिवहन की अनुमति नहीं देंगे और कल 3 फरवरी को गेवरा कुसमुंडा रेल मार्ग को जाम करेंगे। उल्लेखनीय है कि गेवरा स्टेशन से यात्री ट्रेनों के संचालन की मांग को लेकर माकपा चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इससे पहले 28 फरवरी को रेलवे अधिकारियों का पुतला जलाया गया था। इस कार्यक्रम में आम जनता की भागीदारी गौरतलब है। गेवरा रोड स्टेशन से रेलवे सबसे ज्यादा राजस्व वसूल करता है। यहाँ SECL की गेवरा कोयला खादान, जो एशिया का सबसे बड़ी खादान है और हर साल 42 मिलियन टन कोयले की ढुलाई रेल से ही होती। कोल परिवहन के इस व्यस्त मार्ग पर यदि 2 घंटे भी चक्का जाम हुआ तो रेलवे को राजस्व की क्षति के साथ साथ SECL के 5000 टन कोयले की ढुलाई बाधित होने पे 3 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। जो कल चक्का जाम होने वाला रेलवे को लेकर इन्होंने बैठक बुलाई थी, लेकिन इनके बाद से साफ जो भी जाहिर हुआ है कि उन्होंने मतलब कल के चक्का जाम को पोस्टपोन करने का ही करा था, लेकिन इनके बातों में साफ नजर आ रहा है कि ये कोरबा की जनता को रेलवे बेवकूफ़ समझती है और कोरबा की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम रेलवे प्रबंधन कर रही है। अभी बातचीत में इन्होंने बोला कि राज्य सरकार चाहेगी तो गेवरा स्टेशन से ट्रेन चल जाएगी। अरे राज्य सरकार का एक मंत्री लिखता है चिट्ठी की मतलब कोरबा से ट्रेन चालू किया जाए और इस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। और कोरबा की जनता कल जवाब देगी रेलवे प्रबंधन को कि किस तरह से जो ठगने का काम किया है उसका जवाब जो है कल रेल चक्का जाम के माध्यम से आम जनता कल सड़क पर उतर के देगी। किसके बैनर तली होगी और कहां पर? ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पे कल चक्का जाम हो रहा है, जिसमें तमाम वर्गों का समर्थन मिल रहा है। किसानों का समर्थन, महिलाओं का समर्थन, छात्र नौजवानों का समर्थन, व्यापारी वर्ग का समर्थन, ऑटो चालकों का समर्थन, पूरे आम जनता के ग्रामीणों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कोरबा से बाहर जाने का एकमात्र सस्ता सुगम साधन जो है रेल ही है। इसलिए आम जनता इससे पीड़ित है और आम जनता कल रेल किस पहियों पे मतलब जाम करके ये महाजाम करेगी। कल कोई जगह स्थापित इमली छापर रेलवे फाटक के पास में कल 11 बजे चक्का जाम किया जाएगा। कितने लगभग संख्या होंगे अनुमानित? अनुमानित संख्या तो अब आम एक तरह से जन सैलाब उतरेगा, अब उसको तो अनुमान ही लगाया जा सकता है कि किस तरीके से मतलब आम जनता, क्योंकि आम जनता से पूरा अपील किया गया है और एक बड़ी संख्या में लोग उतरेंगे, यही हम एक आशा रखते हैं। R9 भारत के लिए राकेश कुमार बंसल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।